जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसा ही मंजिल मिलता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, किंतु फिर भी हर एक सत्य ही होगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है, और वह है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में एक बार स्वयं से अवश्य बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें सही मार्ग पर चलने की सलाह दीजिए। आप कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ये कहना है कि तुम निर्बल या अन्य निर्बल हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में किसी भी चीज का घमंड स्थायी नहीं है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सभी तो जीवित से अधिक मृत हैं। भय और अधूरी इच्छाएं ही हमारे समस्त दुखों का मूल हैं। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूँ। एक बात हमेशा याद रखिए कि जीवन का रहस्य भोग में नहीं, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति में है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता रहूँगा। वैसे ही जब दुख मनुष्य के पास आता है तो सुख का मुकुट पहन कर आता है।